2021 के हरिद्वार महाकुंभ के सबसे बड़े दिन है 12 अप्रैल और 14 अप्रैल, इसलिए हमारे लिए इसको हम सबसे बड़ी चुनौती मान के चल रहे हैं। परंपरा के अनुसार जो 14 अप्रैल जो है महाकुंभ का दिन है, मेष संक्रांति का दिन है, बैसाखी का दिन है, देश भर में उसमें अलग अलग नाम से त्यौहार मनाए जाते हैं, और 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन परंपरा के हिसाब से है कि इसमें भीड़ सबसे ज़्यादा आएगी। तो 2021 के हरिद्वार महाकुंभ के सबसे बड़े दिन है 12 अप्रैल और 14 अप्रैल, इसलिए हमारे लिए इसको हम सबसे बड़ी चुनौती मान के चल रहे हैं और उसी के अनुरूप अपनी तैयारियों का स्तर बढ़ा रहे हैं। इससे पहले के जितने स्नान थे मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक, हमने उन सबको रिहर्सल का माना, इससे कि हमारी फोर्स गियर अप कर जाए, जो बड़ी चुनौती है। तो इस बड़ी चुनौती के लिए हमने अपनी पुलिस को तैयार किया है, उसी के लिए आज हम सबको शपथ दिलाई है कि वो इस त्यौहार को, महाकुंभ को शांतिपूर्वक सफल कराएंगे, पूर्ण निष्ठा से सफल कराएंगे, आने वाले तीर्थयात्रियों से सद्व्यवहार करेंगे और कोरोना की गाइडलाइंस का पालन भी कराएंगे। सर, आने वाले तीर्थयात्रियों से क्या अनुरोध करेंगे आप, क्या मतलब? मेरी अपील यही है कि वो आए, कुंभ में जरूर आए और नहाएं और प्रशासन का और पुलिस का सहयोग करें, क्योंकि जो बहुत बड़ी बड़ी ट्रैफिक स्कीम्स लगेंगी, हमने कोशिश की है कि किसी को भी जो है 5-6 किलोमीटर से ज्यादा ना चलना पड़े, वो आसपास के घाटों पर नहाए। जो प्रमुख दिवस होता है जिस दिन अखाड़े शाही स्नान करते हैं, उस दिन हर की पैड़ी पे आम पब्लिक नहीं नहाती है, उस दिन हर की पैड़ी पे अखाड़े स्नान करते हैं, बाकी लोग आसपास के घाटों पर नहाए। पुलिस ने सब जगह बोर्ड लगाए हैं, हम सोशल मीडिया पे भी डालेंगे। कई जगह ऐसा है कि जहां आपकी पार्किंग उसके बिल्कुल बगल में घाट, आपको कुछ भी नहीं चलना, पैदल चलना ही नहीं होगा। हमेशा से एक चुनौतीपूर्ण आयोजन रहा है, लेकिन ये टीम वर्क भी है, इसमें सबको मिलकर के काम करना है। हमें श्रद्धालुगणों से भी हेल्प चाहिए, हमें हरिद्वार के निवासियों से भी हेल्प चाहिए और मीडिया से भी हमें बहुत बहुत सहायता चाहिए।